हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व ज्ञान संपन्न। और आज मैं आपके लिए अनबॉक्स करने वाला हूँ Zebronics कंपनी के 4.1 मल्टीमीडिया स्पीकर्स, जिसका मॉडल नेम है Zeb-Pristine 4BTRUCF। ये फुल फंक्शनल होम थिएटर है जिसमें ब्लूटूथ है, USB है, HDMMC कार्ड सपोर्टेड है, FM सपोर्टेड है, AUX सपोर्टेड है, RGB स्ट्रिप लाइट है, LED डिस्प्ले है, 5 इंच के सब वूफर है और रिमोट कंट्रोल है, जो कि ऑलमोस्ट अभी के सारे स्पीकर्स में आते हैं। तो आज हम इस स्पीकर के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये जो नए मॉडल है Zebronics के, वो कैसे है, ये वर्थ बाइंग है कि नहीं, इसका साउंड कैसा है। तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। प्राइस भी मैं इसकी बताऊंगा और इसके बारे में सारी जानकारी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम फ्रंट देख लिया, मैंने फ्रंट में आपको सब कुछ बता दिया इसका क्या क्या है। ऋतिक रोशन इसके ब्रांड एम्बेसडर है, इसीलिए इसकी फोटो इस पे मेंशन होती है। इसके अलावा बॉक्स के साइड पे देख लेते हैं। ये बॉक्स का बैक है, इस पे सारी डिटेल्स मेंशन है। मैं आपको थोड़ा क्लोज लुक दे देता हूँ इसका। फीचर्स तो मैंने आपको बता ही दिए सभी कुछ इसके। पैकेज कंटेंट जो है, इसमें एक सब वूफर आएगा, 4 सैटेलाइट स्पीकर आएंगे, इनपुट केबल आएगी, रिमोट कंट्रोल आएगा एक, और एक यूज़र मैनुअल आएगा। उसके अलावा स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बता दूं ब्रीफ में। आउटपुट पावर जो है इसका टोटल है 65 वॉट्स, सब वूफर है 25 वॉट का है और 4 सैटेलाइट स्पीकर है इसमें, 10 वॉट ईच है, टोटल इसका होता है 65 वॉट्स है। ड्राइवर साइज जो है, सब वूफर की जो साइज है वो 5 इंच के स्पीकर्स है इसमें एक, और सैटेलाइट स्पीकर्स पे 3 इंच के स्पीकर्स है, जो कि 4 सैटेलाइट स्पीकर है, सभी में 3 इंच का है स्पीकर। 32 GB तक कार्ड सपोर्ट है। फाइल फॉर्मेट USB SD MP3 है। 4.2 ब्लूटूथ वर्जन है इसका EDR। सब वूफर की जो डायमेंशंस है, विथ डायमेंशन और हाइट में 200x286x207 mm है, और सैटेलाइट स्पीकर्स जो है वो 100x102x153 mm है। नेट वेट जो है सब वूफर का है 3.5 kg, सैटेलाइट स्पीकर है वो 500g x 4 है, टोटल जो इसका वेट है वो 5.56 kg है, यानी लगभग 5.5 kg के आसपास। MRP में आपको थोड़ा क्लोजली दिखा देता हूँ। MRP जो है इसकी, फोकस, 4999 की है, 5000 इसकी MRP है। MRP जो है इसकी 5000 है और आपको ये इजीली मार्केट में 4500 तक मिल जाएगा, यानी 4500 रुपये तक इजीली मिल जाएगा ये मार्केट में। और ऑनलाइन आप मेरे हिसाब से मत बाई कीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन में आपको ना तो प्राइस मिलेगी, इससे अच्छा होता है ऑफलाइन मार्केट पे जाके प्राइस और स्पीकर देख के आप परचेज करो। आप किसी भी कंप्यूटर शॉप पे इजीली अवेलेबल होगा, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स काउंटर्स पे भी मिल जाता है। ऑफलाइन शॉप्स पे जाने का ये फ़ायदा होता है कि आप इजीली इसका साउंड टेस्ट कर सकते हो, मॉडल रिव्यू कर सकते हो खुद, और सब कुछ देख सकते हो आप स्पीकर के बारे में। तो प्लीज़ मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप ऑफलाइन शॉप से परचेज करें, ना कि ऑनलाइन स्टोर से, कि वहाँ पे कुछ भी फ्रॉड हो सकता है, डैमेज आ सकता है और वारंटी इश्यूज भी आ सकते हैं। आप शॉप से लेते हो तो आपको 1 ईयर वारंटी मिलती है स्पीकर्स पे, और शॉप वाले की जिम्मेदारी होती है उसे रिपेयर करवाने की, अगर सर्विस सेंटर आपके वहाँ पे अवेलेबल ना हो तो। तो पक्का बिल लेना ना भूलिए और बिल पे सीरियल नंबर मेंशन करवाना ना भूलिए। तो चलिए फटाफट मैं इसे अनबॉक्स कर लेता हूँ और आपको स्पीकर दिखा देता हूँ, अंदर से कैसे है, उनका साउंड कैसा है, सब कुछ चेक करवा के दिखाऊंगा आपको। तो चलिए मैं इसे अनबॉक्स करके रेडी टू यूज कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने इनको स्पीकर्स को अनबॉक्स कर लिया है, और अनबॉक्स करने के बाद में ये जो स्पीकर है ये आए हैं, और लुक वाइज बहुत ही यूनिक लुक है, बहुत अलग टाइप के कुछ स्पीकर्स लग रहे हैं। ये स्पीकर्स मैं आपको बता दूं, अभी कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुआ है, ऑलमोस्ट 1 मंथ हुए होंगे इसे लॉन्च हुए, और Pristine मैंने इसका नाम बता ही दिया। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल और बता दूं इनके बारे में। जैसे ये स्पीकर है,
ये इसका सैटेलाइट स्पीकर है, इसका लुक जो है थोड़ा सा स्लैंटिंग है यहाँ से, ये देखिए एकदम रेक्टेंगल टाइप का नहीं है, थोड़ा सा इन्होंने ऐसा लुक दिया है। ये तो वुड बॉडी है, ये प्लास्टिक है, और ये अंदर भी एक प्लास्टिक की जाली लगी हुई है जो कि मजबूत है, ट्यूटर आपके यहाँ से टूट नहीं सकते, और एक ये कपड़े की जाली है इस पर। तो बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। स्पीकर के जो लेंथ केबल लेंथ है वो ऑलमोस्ट 2 मीटर है, चारों में सेम लेंथ है, और वॉल माउंटिंग नहीं है इस पर, और स्पीकर की बिल्ड क्वालिटी अच्छी लग रही है। 3 इंच के ड्राइव साइज़ है इसके, 3 इंच के स्पीकर्स है इसमें, ऐसे 4 स्पीकर हैं। और वूफर की अगर बात करें तो वूफर का लुक भी कुछ इस तरह का दिया हुआ है, ये देखिए सेम लुक है यहाँ से, साइड की जो डिज़ाइन है जो कि इसे यूनिक बनाती है, डिज़ाइन वाइज बहुत अच्छा लग रहा है। ये बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, वेट अच्छा है इसमें, ये वुडन बॉडी है, ये आगे फ्रंट प्लास्टिक है, और यहाँ पे डिस्प्ले है, इसे ऑन करके मैं आपको और दिखाऊंगा। ये सारे कंट्रोल्स है, और USB और MMC कार्ड यहाँ लगेगा इसके। ये इसका बैक है, इनपुट्स मैं आपको बता दूँ, इनपुट के अंदर तो आपके ये और दिखा देता हूँ आपको इसके साथ और क्या क्या आया है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रिमोट आया है इसके साथ, एज यूजल सेल नहीं आते हैं इनके साथ Zebronics के स्पीकर्स में, बट रिमोट की क्वालिटी बहुत अच्छी है इस बार। ये ऑक्स केबल है और एक यूज़र मैनुअल है इसके साथ। ऑक्स केबल जो है आपके क्या काम आएगी, ये जो दोनों पिन है वो यहाँ लग जाएगी इनपुट में, और ये आप पिन मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, टीवी में कनेक्ट करने के लिए ये पिन काम आने वाली है जो उसके साथ आती है, इसे ऑक्स केबल कहते हैं। तो आपको ये यहाँ इनपुट करनी है, ये आप चाहो तो मोबाइल में, और जब आप इसे कनेक्ट करते हो तब इसको ऑक्स इन मोड पे रखना है आपको। आप मोबाइल के थ्रू सॉन्ग चला सकते हो, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी सभी के थ्रू चला सकते हो। और ये जो 4 पॉइंट्स है इसमें स्पीकर की केबल लगेगी, ये जो येलो केबल है वो यहाँ, चारों स्पीकर्स यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे। ये एक एक्स्ट्रा केबल आती है ये FM एक्सटेंड करने के लिए, सपोज आपके FM नहीं पकड़ रहा हो, रेंज नहीं पकड़ रही हो, तो इस केबल को थोड़ी सी लंबी करके आप किसी भी विंडो तक ले जाए तो FM रेंज पकड़ने लग जाएगी। ये इसकी पावर केबल है, ये बाय डिफ़ॉल्ट पावर ऑफ होता है, यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। तो चलिए मैं फटाफट इसे कनेक्ट करके, पावर ऑन करके आपको साउंड चेक करवा देता हूँ इसके बारे में। तो ये हमने पावर ऑन कर लिया है, स्पीकर का पावर कनेक्ट कर लिया है, और आप देख सकते हो यहाँ पीछे से एक LED डिस्प्ले लाइट आ रही है जो कि चेंज हो रही है ग्रीन कलर, ब्लू कलर, येलो कलर में, अलग अलग तरह की एक लाइट साइलेंटली चलती रहेगी, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको कुछ कंट्रोल्स बता दूँ, यहाँ पे LED डिस्प्ले है, ये आपको जब मोड चेंज करोगे तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ये बटन है मोड की कि ये ऑक्स, फिलहाल ऑक्स मोड पे है, मोड पे प्रेस करने पे ये ब्लूटूथ मोड पे आ जाएगा। ये FM मोड पे आ गया, ये ऑक्स है, तो इसमें ये 3 मोड है, ब्लूटूथ, FM और ऑक्स। USB कनेक्ट करने पे ये डायरेक्ट प्ले हो जाएगा, यहाँ USB कनेक्ट करने पे ये डायरेक्ट प्ले हो जाएगा। तो फिलहाल हम इसे, मेरे पास इसमें सेल नहीं है इसलिए मैं आपको चेक नहीं करा पाऊँगा, बट मैं कुछ फंक्शंस इसके बता दूँ आपको। जिस तरह से इस पर मोड बटन है उसी तरह से इस पर डायरेक्ट बटन्स दी हुई है, आपको ऑक्स इन पे करना हो तो इस पर प्रेस कीजिए, USB करना हो तो इस पर प्रेस कीजिए, SD कार्ड के लिए ये है, ब्लूटूथ के लिए ये है। ये इक्वलाइजर्स है, अलग अलग तरह के पहले से प्रीसेट इक्वलाइजर्स है इसमें, क्योंकि इसमें बास और ट्रेबल की बटन अलग से नहीं दी हुई है वॉल्यूम राइज करने के लिए, नहीं दी हुई है सॉरी, ट्रेबल की बटन है प्लस माइनस, बास की बटन है प्लस माइनस। उसके अलावा इक्वलाइजर भी है, इक्वलाइजर में पहले से प्रीसेट्स मिल जाएंगे आपको, इसमें प्लस माइनस दिए हुए हैं, ये प्ले पॉज है, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए है, ये इनपुट्स है, ये वॉल्यूम, ये मैं आपको और बता दूं, कई बार क्या होता है आप इसमें से वॉल्यूम तो फुल कर लेते हो, सपोज आपने ट्रेबल कर लिया, ये कर लिया, वॉल्यूम फुल कर लिया,
तो अगर आपको फुल साउंड में सुनना हो तो यहाँ पे पूरा कंटिन्यूसली प्रेस प्लस करके यहाँ से सब प्लस कर लीजिए। उसके अलावा कई बार क्या होता है, रिमोट में से भी हमें ज़रूरत पड़ती है प्लस करने की, तो ये भी आप वॉल्यूम यहाँ से प्लस करके देख लेना। बहुत सी बार यहाँ से प्लस होना रह जाता है, वॉल्यूम बूस्ट होना। उसके अलावा आपको कोई भी सॉन्ग डायरेक्ट प्ले करना हो, सपोज़ आपके पास 100 सॉन्ग्स हैं और आपको चाहिए कि 15 नंबर का सॉन्ग चलाना है, तो यहाँ से आप 15 प्रेस करके 15 नंबर का सॉन्ग चला सकते हो। सपोज़ 1000 सॉन्ग्स है, आपको 100 प्लस करना हो, तो यहाँ पे ये 100 की बटन दी हुई है। तो चलिए, फ़िलहाल तो मैं आपको ब्लूटूथ द्वारा कनेक्ट करके सॉन्ग टेस्ट करवा के देखूँगा, तो प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। हमको करना है मोड बटन पे, ये ब्लूटूथ मोड आ गया। और फिलहाल मेरे पास है एक आउटडेटेड पुराना मोबाइल जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करके बताऊंगा क्या नेम दिखाता है। ये है हमारा ब्लूटूथ। ऑन कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना टाइम लगाता है। ये टाइम जो लग रहा है वो इस मोबाइल की वजह से लग रहा है क्योंकि पुराना मोबाइल है। स्कैन कर लेते हैं। ये Zeb-Pristine बहुत फास्ट आ गया, Zeb-Pristine 4। मैं आपको एक बात और बता दूँ, इसमें 2.1 भी मॉडल आता है, यानी दो स्पीकर एक वूफर, और ये है 4.1। तो चलिए मैं आपको YouTube लाइब्रेरी से कुछ सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ। पहले तो साउंड हम फुल कर लेंगे इसका। ये सॉन्ग्स तो हो गए YouTube लाइब्रेरी से। कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स और प्ले कर देता हूँ। सॉन्ग्स बॉलीवुड सॉन्ग्स के बारे में बता दूँ, मैं आपको सिर्फ 2 या 3 सेकंड्स के छोटे छोटे ऑडियोस प्ले करके दिखाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है कई बार इसीलिए। बट मेरे कई सब्सक्राइबर्स ने ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बॉलीवुड सॉन्ग या पंजाबी सॉन्ग प्ले किया करो, इसलिए मैं आपको फटाफट कुछ सॉन्ग सुना देता हूँ। मेरी माँ ने बांधा डोरा ठीक ठाक रवे छोरा ठीक सदा चेते करदा किसे होर चे ना वर जरे ते जो पता लगा मेरे डैड नू वे पछता रे तू मैं दस तेनू ना रोटी कंद टप के तू आई मन वे हमें तू लांग वे मैं लची तेरे पीछे आ गवे
तू जमीन पे चांद की जा तो ये हमने साउंड टेस्ट पूरा कर लिया है और मैंने आपको कोशिश की है हर तरह के सॉन्ग्स प्ले करके सुनाने की, बट हो सकता है आपको YouTube पे ये सॉन्ग कैसा लगे या साउंड कैसा लगे। मेरी तरफ से मैं अगर आपको रिव्यू दूं तो साउंड के हिसाब से ये 10 out of 8 दे सकते हैं इस मॉडल को, क्योंकि मॉडल बहुत अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी वाइज भी अच्छा है, साउंड क्वालिटी वाइज भी अच्छा है। अगर इसकी प्राइस देके 4500 तक अगर मिल जाता है आपको तो उस प्राइस वाइज भी बहुत अच्छा है। तो इसे ओवरऑल अगर मैं रेटिंग देता हूँ 10 out of 10 तो हम इसे 8 दे सकते हैं, क्योंकि Zebronics एक बहुत अच्छी कंपनी आई है और बहुत अच्छी वारंटी सर्विस और प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मॉडल जो है वो भी एक यूनिक मॉडल है, आपको बहुत पसंद आएगा। मुझे इसका लुक और इसकी जो शेप है वो बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपको ये स्पीकर बाय करने हैं तो आप मार्केट में जाके ट्राई कीजिए इसकी प्राइस और श्योर बाय कर सकते हो। अगर आपको कोई 4.1 मॉडल लेना हो तो आप इसे ट्राई दे सकते हो। अगर ये मॉडल आपको पसंद नहीं आ रहा तो मेरे चैनल सर्व ज्ञान संपन्न पे इनके अलावा भी Zebronics के कई स्पीकर्स अवेलेबल है। आईबॉल के भी मैंने रिव्यूज़ किए हैं और आने वाले टाइम पे इंटेक्स के कुछ नए मॉडल्स आए हैं वो भी मैं रिव्यू करने वाला हूँ। इन स्पीकर्स को थोड़े टाइम यूज़ करके और सेल करके मैं आपको इसके बारे में और भी रिव्यूज़ दे दूंगा अपने कमेंट सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इन स्पीकर्स के बारे में इतना ही। अगर आपको और भी कोई इन स्पीकर्स के बारे में जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हो सकता है आप मेरा ये रिव्यू किसी के काम आ जाए परचेज करने से पहले। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।